फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज पीवीसी का जो ड्रेनेज लाइन होता है, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक किचन लाइन का जो पीवीसी फिटिंग एक डोर बैंड लगा हुआ है और वो डोर टूट गया है, जिसकी वजह से फट गया है। तो उसमें क्या होता है, जब यूज होता है वो डोर में से पानी बाहर आता है। फ्रेंड्स, इसको हम बिना चेंज किए, रिप्लेस किए, जो क्रैक है, जो फटा हुआ है, उसको कैसे रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, खाली उसका नहीं है, पाइपलाइन का, पीवीसी पाइपलाइन होने दो, सीपीवीसी पाइपलाइन होने दो, या तो जितना पीवीसी फिटिंग होने दो, अगर कहीं पे क्रैक हो जाता है, फट जाता है और वो फटा हुआ पीस को आप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा उसको कैसे रिपेयर करेंगे, जो सालों सालों ऐसे ही रहेगा। फ्रेंड्स, वो क्रैक को हम फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़्यादा कुछ डैमेज हो गया, जहाँ पे चेंज करने का ज़रूरत पड़ा, तो उस टाइम में चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर पीवीसी पाइप फिटिंग फटा हुआ है, थोड़ा फटा होकर ऐसे लगा क्रैक दिख रहा है, जिसकी वजह से लीकेज हो रहा है, उसको आराम से आप रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊँगा। फ्रेंड्स, इसका कौन सा मटेरियल है और क्या लगाने से वो क्रैक फिलिंग होता है और कैसे उसको रिपेयर करते हैं, फ्रेंड्स इस वीडियो में चलिए मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो आगे आपको हमारा चैनल में मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये जो डोर बैंड लगा हुआ है, फ्रेंड्स ये किचन लाइन है, ये मिट्टी का नीचे था, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ मिट्टी क्रैक हुआ था, जिसके देखिए वेट हुआ है, यहाँ हमेशा लीकेज हो रहा था, जिसकी वजह से नीचे फ्लैट में भी लीकेज है। फ्रेंड्स, अभी देखिए ये जो डोर है, ये फट गया है, इतना क्रैक हो चुका है। इसके लिए फ्रेंड्स क्या है, आपको डोर खोल के फिर दूसरा डोर डालने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो क्रैक है, आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो इसको कैसे फिलअप करना है, उसका क्या मटेरियल है, देखिए फ्रेंड्स, ये है ऑरल्डाइट। ये 5 मिनट, देखिए इसमें लिखा है 5 मिनट सेटिंग। फ्रेंड्स, ये 5 मिनट में ये सेटिंग हो जाता है और इसको हमको अप्लाई करना है। इसका ऊपर ये जो क्रैक हुआ है, ये क्रैक का ऊपर हम अभी लगाएंगे। ये देखो कितना बड़ा क्रैक है, इसको हम अभी ऑरल्डाइट से उसको पैक कर देंगे, जिसके वजह से ये लीकेज कभी भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस तरह का जितने सारी क्रैक होता है, उसको हम ऑरल्डाइट के साथ उसको रिपेयर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम अभी ऑरल्डाइट को कैसे अप्लाई करना है वो दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, इसको फिट करने के लिए पहले आपको एक, मैंने अभी एक मार्बल का टुकड़ा लिया हूँ, ये मार्बल है। फ्रेंड्स, क्योंकि आप वो चाहे तो जब भी ऑरल्डाइट मिलाओगे, क्योंकि वो दोनों, इसका अंदर 2 ट्यूब आता है, ये ऑरल्डाइट है, जब आप मिलाओगे तो उसमें या तो प्लेन साइज का एक टाइल्स टुकड़ा लेना, या तो मार्बल का, या तो ग्लास का, कुछ भी जो भी लेना है, प्लास्टिक का जो भी है, प्लेन साइज का होना। फ्रेंड्स, अभी देखिए ये ऑरल्डाइट, ये इसमें लिखा है, देखिए फ्रेंड्स, ये 5 मिनट में सेटिंग, देखिए 5 मिनट सेटिंग। फ्रेंड्स, कभी भी लेना है तो ये 24 आवर का भी आता है, लेकिन हमको 5 मिनट्स का लेना है, जो लीकेज तुरंत रिपेयर करना पड़ेगा, इसलिए 5 मिनट का पहले लेना है। फ्रेंड्स, उसके लेने के बाद इसका अंदर 2 ट्यूब आता है। फ्रेंड्स, ये 2 ट्यूब आता है, एक ब्लू और एक वाइट, ये दोनों ट्यूब आता है। फ्रेंड्स, फिर आपको क्या करना है, पहले इसको ये ब्लू को या चाहे व्हाइट को, जिसको भी लेना है, थोड़ा सा इस पर ऑरल्डाइट ऐसे ही डाल देना है। देखिए मैंने डाल दिया, फिर इसको पैक कर देना, फिर इसको बाद व्हाइट को लेना, व्हाइट को उसी का ऊपर, फ्रेंड्स उसी का ऊपर और थोड़ा डालना, जितना क्वांटिटी आपने ब्लू डाला है उतना टाइप में व्हाइट को भी उतना ही डालना है। दोनों ट्यूब को सेम, जितना आपको चाहिए दोनों को सेम डालना है। फिर फ्रेंड्स, इसके लिए एक पॉट्टी ब्लेड लेना है। ये पॉट्टी ब्लेड हार्डवेयर शॉप में, जब आप ऑरल्डाइट लोगे तो उसमें 2 इंच 3 इंच जितना आपको मिलाना है, उसी साइज़ के हिसाब से आपको ले लेना है। फिर ये क्या करना है, ये दोनों को ऐसे मिलाना है। ये जो दो आपने डाले हैं, ये लिक्विड को, दोनों को ऐसे मिक्स करना है। ये थोड़ा मिक्स होने के बाद है, फिर फ्रेंड्स
इसी पत्ती में ऐसे लेना है और थोड़ा थोड़ा लेके फिर आपको जहाँ पे जो डैमेज हुआ है यहाँ पे ऐसे ही अप्लाई करना है। फ्रेंड्स वो जो क्रैक हुआ था वो क्रैक का अंदर ये घुस जाएगा, घुसने के बाद वो अच्छा से पकड़ के, ये तो एक मेटल है ये फ्रेंड्स, ये खुद एक मेटल है, इसलिए जब दोनों मिक्स होकर के अभी हमने डाल दिया ये पूरा टाइट हो जाएगा, टाइट होने के बाद सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको लगाने के बाद जो आपको पोटी ब्लेड में जो थोड़ा लगा रहा है उसको थोड़ा साफ कर देना, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद में ये टाइट हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट टाइम पोटी ब्लेड यूज नहीं होगा, तो पहले साफ कर देना है। फ्रेंड्स इसी तरह का प्लम्बिंग का जो भी फिटिंग्स फट जाता है, अगर ऐसा कुछ डैमेज हो गया तो आप ऑरल लाइट ऐसे लगा दे तो फ्रेंड्स इसी तरह का लगा रहेगा, आपको पता मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्रैक दिखे तो भी परवाह नहीं है, पर ये ऐसे ही रहेगा, लीकेज नहीं होगा, क्योंकि वो क्रैक का अंदर जाके ऑरल लाइट टाइट हो जाता है, एक मेटल जैसा बन जाता है, सालों साल ऐसे ही रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रेंड्स खाली इसी को नहीं, आप बहुत सारी फिटिंग क्या क्या इसमें ऑरल लाइट में आपने रिपेयर कर सकते हो, जिसको टूट गया फट गया कुछ भी डैमेज हुआ आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, कौन सा में आप अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्बल को जैसे कि ग्रेनाइट है, देखिए एक ग्रेनाइट को भी आप ऐसे ही जोड़ सकते हो, मैं ऑलरेडी थोड़ा सा ऑरल लाइट देखे, अगर कहीं पे किचन सिंक का पास में अगर आपको ऐसे कुछ वर्टिकल में ग्रेनाइट लगाना है, तो ग्रेनाइट कहीं फट गया है टूट गया है, मार्बल कहीं फट गया है, तो उसको भी ऑरल लाइट में आप जोड़ सकते हो। ग्लास का अगर ये जो ग्लास का टीप है, अगर ये टीप जो टेबल होता है अगर वो ऐसे ही ग्लास को कुछ भी टूट गया या तो जॉइंट करना, अगर इसका जो ग्लास का साथ जो ये स्टैंड इसका लेग जो जॉइंट होता है इसको भी आप ऑरल लाइट में ऐसे ही चिपका, देखिए फ्रेंड्स ये ऑरल लाइट में चिपका हुआ है, तो आप ऑरल लाइट में फिक्स कर देते हैं। फ्रेंड ये टीप है, ये ग्लास को भी फिटिंग होता है, सालों साल ऐसे ही ऑरल लाइट के साथ रहता है, समझो ये कितना स्ट्रांग है। इसी तरह का आप और बाकी सब सामान, अभी जो जो सिंक है, सिंक का साइड में अगर पानी यहाँ बर्तन धोने का टाइम छींटा मारेगा, यहाँ पे एक ग्रेनाइट पीस पतला सा थोड़ा सा इसको स्क्रब करके ग्राइंडिंग मशीन में, फिर आपको एक पीस लेके वही ऑरल डाइट में भी जॉइंट होता है। फ्रेंड्स अभी जितना फिटिंग है आप जो ऑरल डाइट में अपने, अगर फ्लैश टैंक का कोई भी पार्ट्स रिपेयर करने का टाइम में टूट गया, प्लास्टिक होता है फ्लैश टैंक, घर में रिमोट होने दो, जो भी फिटिंग होने दो घर में, जितना एक्स वाई जेड जो भी फिटिंग होता है, कहीं फट गया क्रैक हो गया अगर टूट गया उसको आप जॉइंट कर सकते हो, बच्चों का खेलना होने दो कुछ भी होने दो। फ्रेंड्स ये जो ऑरल डाइट है ये ये खुद मेटल है और ये इसमें क्या जब दोनों मिक्स होकर टाइट हो जाता है तो ये कुछ भी जिसको भी आपने कुछ डैमेज हुआ कुछ भी हुआ तो आप इसमें ऑरल डाइट में फिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये ऑरल डाइट जो है लेकिन घर पे कभी भी रखना है, प्लम्बिंग का हम जितने सारी प्लम्बिंग का फिटिंग होता है कुछ डैमेज हो गया कहीं पर रिपेयर करने का चेंज करने को नहीं होता एक्शन, उस जगह पर ऑरल डाइट फिट करके आप रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह का हमने बहुत सारी जो फ्लैशिंग का कुछ छोटा छोटा स्पेयर होता है रिपेयर करने का टाइम खोलता नहीं है, जहाँ पे उसका जो हुक वुक रहता है क्लैंप रहता है टूट जाता है, तो उसको वो प्लास्टिक को नेक्स्ट टुकड़ा पीस को आप ऑरल लाइट में जॉइंट करके 5 मिनट छोड़ दिया तो वो जैसे मेटल जैसा है ऐसे ही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये है ऑरल लाइट का टेक्निक, आप चाहे तो घर में ला के कर सकते हैं, और हमारा प्लम्बर भाई लोग आप लोग कभी भी कुछ ऐसे डैमेज हुआ था ऑरल डाइट अप्लाई करके आप रेडी कर सकते हो। ग्रेनाइट टाइल्स घर में अगर कुछ फ्लोरिंग टूट गया कहीं टाइल्स टुकड़ा बाहर आ गया तो उसको इस तरह आप ऑरल डाइट में जॉइंट कर सकते हैं। एक्वेरियम का ग्लास होने दो, कोई भी ग्लास टूट गया या एक्वेरियम बनाने का जो ग्लास होता है उसको रेडी करने के लिए वो भी ऑरल डाइट में लगता है। बहुत सारी जगह पर फ्रेंड्स ऑरल डाइट काम होता है, ऑरल डाइट बहुत अच्छा काम करता है। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक तो फ्रेंड्स ज़रूर करना ताकि हमको इसी तरह का नए नए वीडियो आपको बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलना। आज के लिए इतना ही है।